देश की जनता से, मैं देश से ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मोदी जी मैसेज कल दे रहे थे, एटलीस्ट कम से कम इतना काम तो करते, वो मैसेज उन तक पहुँचता जिनके लिए वो बता रहे थे। जम्मू कश्मीर में ना तो मोबाइल चलते हैं, ना तो इंटरनेट चल रहा है, ना तो लैंडलाइन चल रहा है, ना तो ब्रॉडबैंड चल रहा है, ना तो टीवी चैनल चल रहा है, ना तो इवन जर्नलिस्ट को रिपोर्ट करने दिया जा रहा है। अब मैसेज किसको दे रहे थे? यहाँ के लोग कश्मीरी औरतों को चाहते हैं। क्या जो कश्मीर में रहने वाले भाई है हमारे, हमारे बुजुर्ग है, भाई है, क्या वो इस नेशन के रहने वाले नहीं है? क्या वो इन लोगों के भाई नहीं है जो अभी कश्मीरी औरतों को सर्च कर रहे हैं? क्या वो अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, क्या हम इंडियन नहीं है फिर? हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे घर वालों से बात करा दो, मीडिया को वहाँ पे अलो कर दो, ताकि लोग जो है वो जाके बता तो पाए कि वो कह रहा है वहाँ से। हाँ। उनके लोगों से जाके पूछो कि वो क्या चाहते हैं। हाँ। कि आप यहाँ बैठकर हम हमारी आवाज़ को दबाकर हमारे लिए डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या हमारे लिए सही है, तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी, आप इतना बताएं बस। जो इनका मुद्दा था हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो इनका सपना है, तो वो उस रास्ते को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे अगर कहीं भी ये प्रूव करके दे सकते हो कि ये सही था या तरीका सही था, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया, आपने डेमोक्रेटिक मीन्स को फॉलो किया, तो हम मानते, लेकिन वो चीज़ आपके पास कोई नहीं है। वो चनाब वैली से थे, वो पीर पंजाल रेंज से थे, वो करगिल से थे, वो वैली से थे, वो जम्मू से लोग थे। जो ये कह रहे हैं कि बाकी लोग खुश हैं, कौन से लोग खुश हैं भाई? जो लोग अपने घर के अंदर बिठा रहे हैं वो खुश हैं, जिन लोगों को आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो वो खुश हैं। यहाँ पे हर खित्ते से एक इंसान आया हुआ था जिसने बोला है, यहाँ पे लोग सब खड़े हैं और कोई नहीं कह रहा कि हम इससे खुश हैं। मुझे ये बात तो नहीं है कि पूरा कि सब मिलकर खुश है कश्मीर में, तो खुशी मनाने के लिए सबसे पहले इंसान को बाहर निकलना पड़ेगा। लोग तो बाहर, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा आर्मी, इतना स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा हुआ। मैं कल ही श्रीनगर से वापस आई और मैं 4 दिन अपने घर में ही थी क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक जगह आफ्टर दिस डिसीजन आई थिंक इट इज द डेमोक्रेसी, आप दी मोदी, बाय दी मोदी एंड फॉर दी मोदी। वी आर हियर टू रेज द वॉइस ऑफ कश्मीर, टू रेज द वॉइस ऑफ कश्मीर। वी आर कश्मीर, वी आर कश्मीरीज एंड वी विल बी कश्मीरी। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया है, उसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है कश्मीरी छात्र यहाँ पर आए हैं विरोध जताने के लिए। हमारे साथ में कश्मीरी छात्र हैं, क्या नाम है आपका और वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं? आदिल है मेरा नाम, मैं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। आप ऐसा सोच, अब मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ कि आप ऐसा मान लीजिए कि रात के 11 बजे, रात के 12 बजे 4 अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया, मोबाइल फ़ोन्स बंद किए गए, इवन कॉलिंग भी बंद, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, नेट सब कुछ बंद किया गया। तो उसके बाद हमें 5 दिन में वहाँ क्या हुआ, किस हालात में कश्मीर में, हमारे घर वाले कैसे हैं, वो ज़िंदा है क्या है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता वो किन हालात में है, वहाँ के हालात कैसे, वी डोंट नो एनीथिंग, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता है। क्योंकि हमें कैसा पता चलेगा, क्योंकि ना मीडिया को कवरेज करने दी जा रही है, ना हम किसी से बात कर सकते हैं, हमारे पास कुछ। अब हमारे पास एक रास्ता था कि हम प्रोटेस्ट करते, हम लीगल मीन से जाते, लेकिन एक डर सा माहौल सब देश में बनाया गया है कि जो भी आवाज़ उठाएगा वो तो या तो एंटी नेशनल है, या तो उसको अंदर फंसा देंगे, जैसे संजीव भट्ट के साथ किया गया। क्योंकि हम जब राइट टू इक्वालिटी करते बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, संजीव भट्ट खाली एक ऐसे ऑफिसर नहीं थे कि जिनके अंडर कस्टोडियल डेथ हुई थी, यहाँ हज़ारों ऑफिसर ऐसे हैं जिनमें कस्टोडियल डेथ हुई, लेकिन उन्हीं को अंदर क्यों गया? क्योंकि वो मोदी के खिलाफ केस लड़ रहे थे। जस्टिस लोहिया अमित शाह के खिलाफ केस लड़ रहे, वही क्यों मरे और जस्टिस क्यों नहीं मरे? ये दहशत जो लोगों में है कि इस वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे, सबको ये पता है कि ये सीधे हत्या है, संविधान की, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सब जानते हैं, लेकिन एक डर जो बैठाया गया। क्योंकि कुछ दिन पहले एक प्लान उन्होंने किया कि यूएपी को पास कर दिया, क्योंकि किसी को भी अब होम मिनिस्टर अमित शाह डिसाइड करेंगे कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है। कैसे लोग बाहर आएंगे मुझे अब ये बता दीजिए, लोग बाहर आ सकते हैं? क्योंकि आप खुद ही यही डिसाइड करेंगे, किसी ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो अपने खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता है, इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा ये तो उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करेंगे। 2 साल तक वो अंदर गया, इट इज़ जस्ट लाइक अ रॉलट एक्ट 1919 में जो ब्रिटिशर्स ने रॉलट एक्ट पास किया था, उन्होंने भी यही किया था कि विदाउट एनी ट्रायल 3 साल तक कोई भी अगर इंडियन आवाज़ उठा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा एज सस्पिशन ऑफ टेररिस्ट। लेकिन कल मोदी जी ने बात की, टीवी पे संबोधन किया, उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरी मैम समझे। मैं देश की जनता से, मैं देश से ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर मोदी जी मैसेज कल दे रहे थे, एटलीस्ट कम से कम इतना काम तो करते, वो मैसेज उन तक पहुँचता जिनके लिए वो बता रहे थे। जम्मू कश्मीर में ना तो मोबाइल चलते,
जाते हैं, ना तो इंटरनेट चल रहा है, ना तो लैंडलाइन चल रहा है, ना तो ब्रॉडबैंड चल रहा है, ना तो टीवी चैनल चल रहा है, ना तो इवन जर्नलिस्ट को रिपोर्ट करने दिया जा रहा है। आप मैसेज किसको दे रहे थे? जिन पे जुल्म हो रहा है उनको आप, उनसे आपको कोई राबता नहीं है, ना वो उनको पता है कि हमारे साथ हुआ क्या। आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, आपने हमारा इतिहास 5 मिनट में चुरा लिया और आप कहते हो कि आप चुप बैठो या आपके बेटरमेंट के लिए। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी भलाई के लिए तो हमें छोड़ दो, हम भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि अगर हमारी मेरी भलाई के लिए कोई चीज़ होती है मैं खुशियाँ मनाऊंगा। हमें छोड़ दो, कर्फ्यू क्यों लगाया है, मोबाइल फोन्स क्यों बंद है, आप इसको छोड़ दो। फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये डेमोक्रेसी जो है वो मोदी डेमोक्रेसी है। हाँ, क्योंकि बिफोर दिस डिसीजन आई वॉज थिंकिंग इट इज़ द डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, दो इट वॉज वीकन बिफोर ऑल्सो, बट आफ्टर दिस डिसीजन आई थिंक इट इज़ द डेमोक्रेसी ऑफ द मोदी, बाय द मोदी एंड फॉर द मोदी। एंड देयर विल द टाइम विल कम, कुछ टाइम बाद ही जब भी इनके पास कुछ साल, एक दो साल में मेजोरिटी, थर्ड टू थर्ड मेजोरिटी राज्यसभा में आ जाएगी, तो ये डिक्टेटरशिप टोटली डिक्लेयर कर देंगे, इलेक्शन को खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। आज जिस धारा की इन्होंने क्लास यूज करके उस धारा को ही खत्म कर दिया, कल कॉन्स्टिट्यूशन की 3768 आर्टिकल को, अमेंडिंग आर्टिकल को यूज करके तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर देंगे। ये तो टोटल डिक्टेटरशिप है, फासिज्म है। ये अपना रास्ता क्लियर कर रहे हैं, जो इनका मुद्दा था हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो इनका सपना है, तो वो उस रास्ते को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे अगर कहीं भी ये प्रूव करके दे सकते हो कि ये सही था या तरीका सही था, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया, आपने डेमोक्रेटिक मीन्स को फॉलो किया, तो हम मानते, लेकिन वो चीज़ आपके पास कोई नहीं है, ये टोटल इलीगल है। कहाँ से हैं आप, कश्मीर में कहाँ से? मैं श्रीनगर से। एक रूमर फैलाया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि ये लद्दाख के लोग खुश हैं, जम्मू के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। अभी यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, कारगिल के एक आए थे, उन्होंने बोला था कि वहाँ पर तो बिल्कुल लोग खुश नहीं हैं, वहाँ पर भी अभी उन्होंने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया क्योंकि वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये बात तो नहीं है कि पूरा कि सब मिलकर खुश है। कश्मीर में तो खुशी मनाने के लिए सबसे पहले इंसान को बाहर निकलना पड़ेगा, लोग तो बाहर, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा आर्मी, इतना स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा हुआ। मैं कल ही श्रीनगर से वापस आई और मैं 4 दिन अपने घर में ही थी क्योंकि हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे सुबह 5 बजे निकलना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर इतनी स्ट्रिक्ट थी, वो इंसान बाहर नहीं निकलने देता है। मेडिसिन लाने के लिए या खाना लाने के लिए मुश्किल से इंसान जा पाता है बाहर। तो बहुत ही सख्त हालात हैं, बहुत ही इंसान को कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, बाहर निकलने के लिए इंसान को 10 बार पहले सोचना पड़ता है। तो खुशी तो दूर की बात है, इंसान तो अभी वहाँ पर रह भी नहीं पा रहा है अंदर से। तो जम्मू में क्या हाल है वहाँ पर तो पता ही नहीं चला, मैं दिल्ली अभी कल ही आई हूँ तो अभी मैं देख रही हूँ क्या। एक बीजेपी के MLA हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा कि हम जो उत्तर प्रदेश के जितने भी मुस्लिम हैं उनके कश्मीर की जो गोरी लड़कियाँ हैं मुस्लिम उनसे शादी करा दें। एक कश्मीरी होने के नाते कितना दर्द देता है ये? दर्द की बात तो अलग है, सबसे पहले तो ये आपको बता देता है कि उनकी मैंटेलिटी कैसी, कि वो किस सोच से आते हैं, कि वो सबसे पहले कश्मीरियों के बारे में तो सोचना बहुत दूर की बात, सबसे पहले वो अपने बारे में सोच रहे कि वो कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। और औरतों किस, बीजेपी सबसे पहले उन्होंने बोला कि इस बिल को पास करने के लिए कि हम कश्मीरी औरतों के लिए करें क्योंकि वो उनके लिए लैंड खरीदना वहाँ मुश्किल था, लेकिन उन्हीं के अगर MLA ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं तो क्लियरली इसका ये मतलब है कि औरतों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। और उसके इसके बाद दुख की बात तो यही है कि यहाँ पर लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं लड़कियों के बारे में, और कश्मीरी होने के नाते ऑब्वियसली गुस्सा आता है कि अब ऐसे ख्यालात भी लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। ये पूरा जो है वाक्या अब जो है तकरीबन हो गया है, अब कश्मीरी होने के नाते अब इसको आप कैसे देखते हैं, कैसे डील करेंगे, कैसे वो फेस होगा? अभी तो सबसे पहले हमें यही है कि हमारे वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात नहीं हो पा रही है, सब फ़ोन वोन बंद है, किसी से वहाँ पर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो अभी तो कुछ हालात का पता ही नहीं है। वहाँ पर बैठ के भी मैं जब थी वहाँ पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा कैसे होगा क्योंकि सब बंद था। अब वहाँ पर थोड़ा सा लोग बाहर निकल पाएंगे तो पता चलेगा लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लोग गुस्सा हैं, उनको है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन स्टेट किस तरह से उनकी प्रोटेस्ट पर रिस्पॉन्ड करेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी अब आर्मी आ चुकी है। कश्मीरियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, सालों से होता जा रहा है। ये जैसे कानून है आफ्सपा, PSA कश्मीरियों पे कैसे लगाए जाते हैं, ह्यूमन शील्ड जो है कश्मीरियों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। पिछली भी सरकारों ने कश्मीरियों के साथ पैलेट गन वगैरह इस्तेमाल किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। पर हाँ, ये तो है कि ये जो कदम उठाया है भाजपा सरकार ने, ये तो एक अलग ही लेवल की क्रूरता दिखाई दे रही है, जिसमें मतलब उनको लगता है कि अब तो हमें कोशिश भी नहीं करना ये दिखाने के लिए कि हम डेमोक्रेटिक है। अब तो मतलब कोशिश करने की भी बात नहीं है। पहले तो चलो एक था कि हम चलो एक मुखौटा
पहन लेते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं कि हम थोड़ा सा डेमोक्रेटिक है, पर अब तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि जो 370 को हमने हटाया है, इससे जो है अलगाववाद पर और आतंकवाद पर जो है असर पड़ेगा, कश्मीरी लोग जो है इससे खुश हैं। अगर कश्मीरी लोग खुश है तो आप हटा दीजिए ना फिर आर्मी को, वहाँ पे सेलिब्रेट करने दीजिए उनको, वहाँ पे आप हटा दीजिए, बहुत अच्छी बात है अगर खुश है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं, प्रूव मी रॉन्ग, लाइक आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। ऐसा फर्क हो गया क्या, ऐसा बदल गया है कश्मीरियों की जिंदगी में, 370 के पहले ये था और अब ये नहीं रहा? कश्मीरी की जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला 370 हटाने से पहले और हटाने के बाद। हटाने से बाद द बेस्ट वुड बी, लाइफ वुड बी द सेम, द वर्स्ट वुड बी इट इज गोइंग टू गो डाउन। एंड मेरा जो आइडिया है वो ये कि इससे बाद देयर लाइफ इज गोइंग टू गो फर्दर डाउन। दिस कैन एक्चुअली बिकम अ वेरी रीजनल इशू इन साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज माई प्रॉब्लम। बट द गुड थिंग फॉर द गवर्नमेंट इज नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑल द आईज विल बी ऑन कश्मीर। बाकी इंडिया में कुछ भी हो रहा है कोई टीवी चैनल पे दिखाया नहीं जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि हमारी घर पे बात करा दी जाए, 5 दिन हो चुके हैं और हमने घर पे बात नहीं की है। तो हम सब आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं, और सिर्फ हम नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स नहीं, जम्मू कश्मीर के साथ बाकी स्टेट्स के लोग, बाकी कॉलेजेस के, यहाँ यूनिवर्सिटी के लोग सब इकट्ठे हुए हैं ये बात कहने के लिए कि हमारी घर पे बात करा दें। पिछले 5 दिन से हमारी घर पे बात नहीं हुई है। हम नहीं जानते हैं हमारे घरों में क्या हुआ है, क्या वहाँ पे कोई जिंदा है नहीं है, कर्फ्यू चल रहे हैं, हम किसी तरह का कोई लिंक कोई कनेक्शन नहीं है घर पे। तो हम दिल्ली में रह रहे हैं, घर के बाहर रह रहे हैं, हम नहीं जानते वहाँ के हालात क्या हैं। तो हम सब और आपके चैनल के थ्रू भी हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी मदद करें हमारे घर वालों से हमारी बात कराने में। जो लोग इस चीज़ को, इसके खिलाफ है, जो लोग कह रहे हैं कि ठीक हो रहा है, चलो ये डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, चलो आपको कर्फ्यू में रखा गया है पर आपको निकाल देंगे, वो लोग मुझे बताएं ये किस तरह की डेमोक्रेसी है ये। और इमेजिन करें, आप लोगों में से कोई सोचे कि आपकी 5 दिन घर पे बात ना हो और आप नहीं जानते घर पे क्या है, वो भी इस तरह के सिचुएशंस में, तो आप कैसा महसूस करेंगे? हम अभी वही महसूस कर रहे हैं। आप अपनी माँ से पूछें, अपने बाप से पूछें कि अगर ऐसा होता है तो आप कैसा फील करेंगे। यहाँ और कश्मीर के लगभग हर जगह से जो है यहाँ पर छात्र आए थे, यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स थे, लेकिन एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि लद्दाख के लोग खुश हैं, जम्मू के लोग खुश हैं, कश्मीर के लोग खुश नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? तो आज हमारा एक मुद्दा ये भी था कि हम सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पे जितने सारे लोग थे और जितने सारे स्पीकर्स हमने पुट अप किए, वो चनाब वैली से थे, वो पीर पंजाल रेंज से थे, वो करगिल से थे, वो वैली से थे, वो जम्मू से लोग थे, जो ये कह रहे हैं कि बाकी लोग खुश हैं। कौन से लोग खुश हैं भाई? जो लोग अपने घर के अंदर बिठा रहे हैं वो खुश हैं, जिन लोगों को आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो वो खुश हैं। यहाँ पे हर खित्ते से एक इंसान आया हुआ था जिसने बोला है, यहाँ पे लोग सब खड़े हैं और कोई नहीं कह रहा कि हम इससे खुश हैं। मुझे आप बताएं कोई कैसे खुश होगा अगर आपने उसके घर को बंद कर रखा है, कोई कैसे खुश होगा अगर 5 दिन से वो अपने घर से बात नहीं कर पा रहा है। तो जो लोग ये नैरेटिव दे रहे हैं वो मेरी इस बात का जवाब दे दें कि कोई कैसे खुश रह सकता है? आप अपने घर से दूर हैं, घर वाले कर्फ्यूड हैं, घर वाले बंद हैं, आपकी 5 दिन से बात नहीं हुई, आप नहीं जानते वहाँ पे हालात कैसे हैं, आप मुझे बता दें। यू आंसर मी, हाउ पीपल कैन बी हैप्पी, हाउ वी आर हैप्पी, वी आर नॉट। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे घर वालों से बात करा दो, मीडिया को वहाँ पे लोग कर दो, ताकि लोग जो है जाके बता तो पाएं कि वो कह रहा है वहाँ से। उनके लोगों से जाके पूछो कि वो क्या चाहते हैं। आप यहाँ बैठकर हमारी आवाज़ को दबाकर हमारे लिए डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या हमारे लिए सही है, तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी, आप इतना बताएं बस। आप कश्मीर से हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल जो है संबोधन किया कश्मीरियों को, और उन्होंने कहा कि जो 370 को हटाया है इससे आतंकवाद और अलगाववाद उनकी कमर टूटी है और आम कश्मीरी जो नागरिक हैं वो खुश हैं, आप मानते हैं? बीइंग ए कश्मीरी आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैं इस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि ये सब हो गया है। अगर ये करना ही था गवर्नमेंट को तो अभी नहीं करते, एटलीस्ट ईद इज अप्रोचिंग अस, ईद के बाद कर लेते, उसके बाद ईद के बाद जो भी होता वो देखा जाता। बट हमारा फेस्टिवल भी चल रही थी, वो भी चल रही थी, टूरिस्ट को बोला गया कि आप निकल जाओ कश्मीर से, तो वहाँ पे कौन रहे? एक आम कश्मीरी जिसको ये फेस करना था। तो अभी कश्मीर में दे आर यू नो 5 दिन से कर्फ्यू है वहाँ पे, और आधे लोग जो है दे आर आउट ऑफ फूड, आधों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, बाहर जाने के लिए कर्फ्यू पास चाहिए। तो मैं अभी अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही हूँ। इट्स बीन 5 days मैंने अपने घर वालों से बात की है, एंड आई एम सो वरीड अबाउट देम, आई डोंट नो एनीथिंग उन पे क्या बीत रही है, वो अभी किस हाल में है। एटलीस्ट मैं अभी गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी इंडियन गवर्नमेंट से कि वो जो मोबाइल सर्विसेज है वो रिस्टोर कर दे, ताकि हम अपनी फैमिली से बात कर सके और हम उनसे पूछे कि वो कैसे है और वो भी हमसे बात कर सके। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर
कश्मीरी लड़कियों को लेकर के भद्दे भद्दे कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, कश्मीरी होने के नाते आपको कितना जो है दुख होता है इस बात से? इट्स रियली पेनफुल टू सी कि यहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि यहाँ पे सर्च किया है कश्मीरी लड़कियों को शादियों के लिए. इट्स रियली पेनफुल. मुझे आप एक बात बताओ, जो अभियान था एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहाँ है अभी? वो कहाँ है अभी? जो हमारे इंडिया में जो फेमस था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी जिन बेटियों को सर्च कर रहे हैं, क्या वो बेटियाँ नहीं है इस नेशन की? क्या वो इस कंट्री की बेटियाँ नहीं है जिनको ये सर्च कर रहे हैं अभी, जिनके जिनको लेके इनके दिमाग में एक बुरा ख्याल आ रहा है, क्या वो इस नेशन की लड़कियां नहीं हैं? तो मैं सच में बहुत डिसअपॉइंट हूँ इसको लेके कि यहाँ पे बहुत सर्च किया जा रहा है लड़कियों को. यहाँ के लोग कश्मीरी औरतों को चाहते हैं. क्या जो कश्मीर में रहने वाले भाई है हमारे, हमारे बुजुर्ग है भाई है, क्या वो इस नेशन के रहने वाले नहीं है? क्या वो इन लोगों के भाई नहीं है जो अभी कश्मीरी औरतों को सर्च कर रहे हैं? क्या वो अगर हम इंडिया में रह रहे हैं, क्या हम इंडियन नहीं है फिर? वी आर हेयर टू रेज द वॉइस ऑफ कश्मीर, टू रेज द वॉइस ऑफ कश्मीर. वी आर कश्मीर, वी आर कश्मीरीज एंड वी विल बी कश्मीरीज. तो बिल्कुल जो है कश्मीर को लेकर के जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया है, तो वैसे हालात में जो है अब 370 को हटाए जाने के बाद में कहीं ना कहीं जो पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं उनको जो है एक कदम आगे बढ़ के कश्मीरियों का दिल जीतने का काम करना चाहिए, बजाय इसके कि जो भद्दी भद्दी चीज़ें जो लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक पे ट्विटर पर लिख रहे हैं. और सरकार के जो रहनुमाओं को चाहिए कि उनको जो है कश्मीर के लोगों के बीच में उतर करके उनका विश्वास जीतें. बहरहाल 370 को जो है जिस तरह से हटाया गया है उसको लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें. और इसी तरह की तमाम खबरें लगातार देखने के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं.